सो गाइस वेलकम इन टू अनदर शानदार व्लॉग। और मैं यहाँ, आप लोग गेस कर ही सकते हो मैं कहाँ आ चुका हूँ। पीछे आप लोगों को मंदिर दिख ही रहा होगा। एक्चुअली गाइस मैं आया हूँ चिंतारण में और प्रिंस के पास जा रहा हूँ। अब मैं ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और गाइस आज आपको यमुना माता के दर्शन यमुना दिखाता हूँ आज समीप से। देखो गाइस जैसे प्रिंस बोल रहा है, कह रहा है यमुना दिखाता हूँ, देखते हैं आज। गाइस हमने पहले वाले ब्लॉग में आपको यमुना का एक छोर दिखाया था। यस गाइस, ये दूसरा छोर है, ये चिंतारण मंदिर का छोर है। बिल्कुल, चिंतारण मंदिर थोड़ा रमन रेती से आगे बढ़ जाता है। और ये देखो यमुना नदी यहाँ पे कैसे धीरे धीरे, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बस थोड़ी देर में, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। बिल्कुल पास से दिखाऊंगा ना, बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं, पूरे प्योर तरीके से देखना। वैसे लोगों ने गंदगी इतनी कर रखी है, क्या बहुत गंदगी है, गंदगी तो इतनी है अपार। मानते हर एक चीज को भगवान है, साफ सफाई किसी चीज में नहीं रखनी। देखो और ये लोग खेतों में पानी खींच रहे हैं पूरा यमुना का, तो ये तो ठीक चीज है, नदी का पानी है ये प्रूफ के लिए उसको। देखा आज। बस इधर दोस्तों एक ही प्रॉब्लम आई थी इधर आने में। इधर क्या है, थोड़ा वाहन वगैरह कम मिलते हैं, तो ऐसा है कि आप बुक करके आओगे तो मिल जाएगा। ज्यादा आगे मत जा, कीचड़ है, चल जाएगा कीचड़। गाइस इधर देखो यमुना माता जी के दर्शन कर लीजिए। देखो ये बोट खड़ी है ना, चलिए पूरी ये लोग इधर से उधर जाने के लिए यूज करते हैं। और देखो शांति तो दिख ही रही होगी, यहाँ से मंदिर दिखा दे एक बारी। गाइस दोस्तों ये पीछे मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा, चिंतारण है ये प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में। मथुरा में रहने वाले लोग भी बहुत कम जानते हैं इसको। मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार ये सोच है कि कौन कितनी बार दर्शन करना चाहता है, कौन कितनी बार नहीं। देखो इधर थोड़ी बहुत लोग खेती भी कर रहे हैं। यस गाइस इधर खेती भी होती है। और इस पानी पास में आपको दिख रहा होगा उधर खेत है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये जो जगह थी ना, ये जो जहां हम खड़े हैं यहाँ पे यमुना आती है पूरी वहां तक, जहाँ चिंतारण मंदिर की जो सीढ़ी है वहां तक। अभी पूरी धीरे धीरे सूखती चली गई। देखो आप पूरी क्यों सूख गई है, देखो पूरी गई है जाके। हम यहाँ पर खड़े हैं ना, ये एक्चुअली पहले यमुना माता जी का पाठ था, ये जो जगह थी अगर वहाँ, अब यमुना नदी जो है वहां तक पहुंच गई है बस। यहाँ पे भी पानी हुआ करता था वहां तक, सीढ़ियों तक लोग अपने वहाँ सीढ़ियों में जाके टथ पे पैर धोया करते थे, पैर में डुबकी मारा करते थे उस जगह पे जाके। अब इतना सूख गया है, देखो क्या है यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है। अगर जब थोड़ी थोड़ी वो हो रही है कीचड़ में, कह रहा था कीचड़ क्यों हो रही है, वहां तक पानी आता था वहां तक। तो वैसे ये तट है, ये यहाँ पे क्या लोग आते थे और अपना फूल वगैरह चढ़ाना, दिए जलाना, जैसा कि मूवीज में भी दिखाया जाता है और जैसा कि हम सबको पता है ना। और लोगों देखो जो लोग नदी को प्रणाम करने आ रहे हैं, देखो भगवान को देखो क्या चढ़ा गए। देखो गाइस क्या है ये गणेश चतुर्थी पे, देखो जो लोग गणेश जी को बहाते है ना वही है ये, जो यमुना में सिरा देते हैं भगवान जी को। अब देखो आप देख ही सकते हो कि कैसे सिराया और देखो पानी कैसे सूख के कहा गणेश जी यहाँ बैठ गए, पानी जी वहां चला गया तो गणेश जी यही रह गए। तो ऐसी तरीके से सूख रही है यमुना। अब देखो कितनी गंदगी, तो वैसे जब नदी का पानी सूख जाता है ना, जब पता चलती है कि उसमें से उसमें नदी में कितनी गंदगी है। देखो यहाँ खैर मैं इतने अच्छे तरीके से दिखाऊंगा भी नहीं, एक तरीके से अपमान भी है नदी का, लेकिन गोल्ड मॉल वगैरह चप्पल स्लीपर्स पड़ी हुई है इधर। अगर देखो इधर ये लोग आग चला रहे हैं, उनको दिख ही रहा होगा। आपको मंदिर दिखाते हैं, अब आ जाओ। गाइस आपको मंदिर दिखाते हैं, वैसे मंदिर पहले दिखाना चाहिए था लेकिन प्रिंस जिंद कर रहा था कि पहले अरे यमुना भी तो माता ही है, यमुना माता जी के दर्शन हो जाए। हाँ तो वैसे ना गाइस माता पिता लेडीज फर्स्ट, इसलिए पहले यमुना माता जी फिर शिव जी को दिखाएंगे हम आपको। तो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो सीढ़ियां दिखा दे। सीढ़ी काफी बड़ी है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े कैमरे में जो क्या दिखती नहीं है, छोटे छोटे दिखती है कैमरे के हाथ भी। सीढ़ी काफी है तो यहाँ तक पानी आता था। देख यहाँ तक, अगर यहाँ तक पानी आता था, अब हम यहाँ खड़ा हो ना, देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या करना नहीं चाहिए दोस्तों। ये इसको अपन जेब में डालेंगे, सूख गया है, यहाँ तक पानी आता था। ये देखो वहां तक आपको पानी दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस लेवल होगा दूसरा। देखो भगवान जी कैसे पड़े हुए हैं, अखंडित हो गए अब तक लोगों का क्या क्या करें यार। देखो भगवान जी कैसे पड़े हुए नीचे जमीन पे। अरे देखो वहां तक क्या एक्चुअली पानी सूख चुका है, थोड़ा ये थोड़ी प्रॉब्लम है वाटर की। आया मंदिर दिखाते हैं पूरा था पानी। अब गाइस मंदिर देखने का समय आ चुका है, अब लोग मंदिर दिखाता हूँ। तो आ जाओ फ्रेंड मंदिर दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। देखो देखो गाइस मैं रेस में जीत गया,
तो देखो हमारे फैमिली के मेंबर थोड़ा मंदिर की वो जो निकल के जा रहे हैं वो हमारी सिस्टर्स हैं और भाई यहाँ पर प्रणाम कर लेते हैं। ये बाबा जी हैं। देखिए ये बाबा जी हैं। आपको दिखाता हूँ मेन पार्ट मंदिर का। आ जाओ गाइस आओ। मेन पार्ट देख के आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मेन पार्ट देखना भी जरूरी है ना। तो गाइस देखो आरती सी होने लग गई है मंदिर। गाइस आप लोगों ने शायद आवाज भी सुन ली होगी। आरती चालू हो चुकी है। अरे मंदिर के अंदर कहाँ से आया था ये वेस्ट। तो गाइस वो ये आरती भी चालू हो चुकी है। गाइस ये एक्चुअली मेन मंदिर है। तो गाइस यहाँ पर मौसी जी तो बाहर आ चुकी है दर्शन करके। तो विवेक आपको दिखाएगा। विवेक आरती दिखा दे। दिखाता हूँ आपको पूरा दर्शन करवाएंगे भगवान का। एकदम पूरा ए टू जेड ए टू जी। बाहर से दिखा दे अंदर तो बहुत भीड़ हो रही है। देखो दोस्तों या तुम लोग यमुना घूमने इनका तो हो गया सफाया। इनका तो इन्होंने कर लिए दर्शन। देखो मौसी का तो टीका देख लो कितना बड़ा है। हम चारों के फोटोज खींच देना। देखो ये सोहम डॉन तैयार हो गए। जाइए जाइए आप दर्शन कर लिए आपने पूरे पूरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक भैया इत्र भी बेच रहे हैं। भैया इत्र कैसे चल रहा है। इत्र इत्र बेच रहे हैं। अगर हम जैसे दूसरी साइड आ रहे हैं बताना रेट कितने। रेट बता दो रेट। ये इत्र की बोतल है ना। देखो आरती चल गई। ये मेन फ्रंट सवाज। आइए इत्र के रेट डिटेल में जानते हैं। ये वाला कितने रुपए का। 150 रुपए का। 150 का। आज मैं थोड़ा महंगा समझ रहा था लेकिन रेट सही है। ये वाला 50 का। ये 50 का। सब अलग अलग रेट है। सबसे महंगा कौन सा है। कितने रुपए का ये। 210 का। खुशबू मतलब रहती है लेट तक। 8 दिन खुशबू रहती है। 8 दिन खुशबू रहती है। हम तो फालतू में फॉग डेनवर 2-2 हम फालतू में कोबरा लगा रहे थे तो इतने यहाँ पे तो अच्छा। अब आगे लेते हैं। चलो आइए मंदिर चलते हैं। मंदिर में आरती खत्म हो जाएगी। ये बैल आपको थोड़ा बैक में देखना पड़ेगा। पंडित जी आरती चल रही है दोस्तों। पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम कर लेता हूँ मैं। विवेक दर्शन कर रहा है। मैं कर चुका हूँ पहले से ऑलरेडी। भगवान के कितनी बार भी दर्शन करा लगा लेते मैंने। फिर भी बाहर परिक्रमा भी ली थी गाइस। भगवान शिव जी के परिक्रमा ना लो तो किसकी लोग नहीं सबकी चाहिए। पूजा कर रही है। देखिए यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। Thank you.
सो गाइस यहाँ पर मंदिर में आ चुके हैं। ये है शनिदेव, शनिदेव महाराज। ये बजरंग बली। नमस्कार भाई। देखा है बजरंग बली का मंदिर। तो गाइस यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। अभी गाइस मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि इस मंदिर का नाम चिंताहरण क्यों पड़ा है। गाइस आपको हरण का मतलब पता क्या होता है? हरण का मतलब होता है किसी चीज को दूर ले जाना। तो गाइस इस मंदिर का नाम चिंताहरण इसलिए पड़ा है क्योंकि तो चिंताओं को दूर कर ले। मतलब आदमी आता ना, किसी को किसी परेशानी रहती है, अलग अलग आदमी को अलग अलग तरीके की परेशानियाँ रहती हैं, तो वो अपनी चिंताओं का इधर हरण करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया चिंताहरण। और डिटेल में मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे जानकारी थी तो मैंने आपको दे दिया। पसंद आया तो लाइक कर देना। तो गाइस दोबारा यमुना माता जी के दर्शन कर लो। गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसी जी का फोटो शूट कहाँ पर चल रहा है। ये दो हनुमान जी के एक और मंदिर है, आशीर्वाद ले लेते हैं, शिवलिंग भी रखी हुई है। गाइस देखो यहाँ पर मौसी का फोटो शूट चल रहा है। ओह यहाँ पर शुभम भी है। ओह हो वाह बहुत अच्छे बहुत। गाइस देख लीजिए आप दोस्तों फोटो शूट चल रहा है। बढ़िया गाइस। मैं तो गाइस पहली बार आया हूँ इधर। प्रिंस तो खैर इधर ही घूमता रहता था, ये आवाराओं की तरह। और ये पूरे मंदिर का वो था, पीछे थोड़ा सा वो दिखाते हैं सिनेरियो। और है तो खैर काफ़ी दूर तक। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे फ़ोन मांग रहे हैं लेकिन मैं दूंगा नहीं। लेकिन रुक जाओ व्लॉग चल रहा है, व्लॉग के बीच में आ रही हैं। तो गाइस यहाँ पर प्रिंस पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे। कहाँ ले जा रहा है? अरे थोड़ा सा उधर खेत हैं। तो थोड़ा सा आपको और दिखाता हूँ, मैं हल्का सा और दिखाता हूँ आपको। हम प्रिंस को फॉलो तो कर ही रहे हैं। अरे फॉलोवर साहब कुछ बोलो तो सही। तो गाइस मंदिर के पीछे देखो। सो गाइस मंदिर के पीछे देखो पेड़ है। ओहो कितनी अच्छी चीज है। तो गाइस यहाँ पे इतनी शांति है गाइस लिटरली। तो बस चिड़ियों की पक्षियों की आवाज आती है और किसी की नहीं। पक्षी आपको सब पीछे से जनरेटर की आवाज भी आ रही होगी। वो हमारे किसान भाई खेतों में पानी लगा रहे हैं। देखो ये खेती हो रही है इधर। गाइस इधर खेती हो रही है यहाँ पर। गाइस ये मथुरा से थोड़ा हटके है मंदिर, इसलिए इसके बारे में लोग कम जानते हैं। यस गाइस ये तो है इस वजह से, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पे खेत ही खेत देखेंगे। सबसे अलग मंदिर है ये गाइस एक्चुअली मंदिर के पीछे का व्यू है। और मंदिर के आगे का तो हम आपको दिखाई चुके हैं, जो मेन मंदिर था ये उसके पीछे का है। भाई इतना कुछ ही था इसमें चिंताहरण में। अब इससे आगे दिखाएंगे आपको हम भ्रमण रीति। जब तक के लिए आप लोग अपने सीट बेल्ट बांध लें और इंतजार करें थोड़ा सा। ए फोटो खींच गए तो बता। अरे खींच गए आप नहीं, मैं पीछे कूद जाऊं। हमने कैब बुक करी थी, एक BMW अपने लिए, ऑडी लोगों के लिए। जिसे वो मैंने कुछ लोग बोला उसका अर्थ तो मुझे नहीं पता। फ्रंट में तो आ जाएं पहले, नमस्कार करके चलेंगे। नमस्कार कर चुका है, नमस्कार मैंने कर लिया है। और अब मंदिर के एंट्री गेट को भी बाय हम जा रहे हैं। गाइस BMW तो आने वाली है। कहाँ है हमारी कैब? अरे ऑटो वाले में फोन कर। इत्र की खुशबू आ रही है ना दूर दूर से।
तो गाइस बीएमडब्ल्यू आ चुकी है गाड़ी लगा है कि 48 मिनट लगी है ना 48 क्या भी नहीं करें हम 2-4 में लिख लिया हम कह रहे हैं अब इस BMW की आवाज भी सुनानी पड़ेगी क्या?